दो रोज से चल रहा है माननीय बृहस्पति सिंह जी और टीएस सिंह देव का बातचीत आप लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग भी इसको समझ रहे हैं। उसी बारे में हम लोगों का कहना है कि बृहस्पति सिंह जी विधायक जी जो हैं अनर्गल अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ये निंदनीय है। माननीय टीएस सिंह देव के ऊपर, जो कि हम लोगों के संरक्षक हैं, कांग्रेस परिवार के अविभाजित सरगुजा का संरक्षक हैं, हम लोगों का गार्जियन स्वरूप हैं, उनके से हम लोग हैं पूरे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के ऊपर लांछन लगा रहा है। ऐसा लांछन लग रहा है जो कि कभी वो सोच ही नहीं सकते हैं, और करने जान से मरवाने का धमकी वो सोच ही नहीं सकते हैं। जिस बात को वो कहाँ से किसी को ऑर्डर देंगे या किसी को कहेंगे, बिल्कुल गलत बात है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। हम लोग जो सुन पा रहे हैं ये है कि ओवरटेक करने का मामला है, और माननीय विधायक जी कुछ देर पहले आगे विश्राम गिरी में जाना था, उनको तो निकल चुके थे, फॉलो गार्ड जो इनके था, और वो एक से जो गाड़ी जिसका जिक्र किया जा रहा है उसका ओवरटेक किया। ओवरटेक करते समय कुछ ना कुछ जरूर मिस्टेक हुआ होगा, या तो एक बिल्कुल कट मारते हुए निकले होंगे, या तो डेस मारते हुए निकले होंगे, क्योंकि हम लोग देखे नहीं हैं तो कन्फर्म नहीं बता पा रहा हूँ मैं, लेकिन हुआ यही है। ओवरटेक करने के चक्कर में वाद विवाद हुआ, इन लोग भी आगे जाकर रोके होंगे गाड़ी को, वाद विवाद किए होंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसी में बात तू तू में बैठते गया। चूँकि अब गाड़ी बृहस्पति सिंह जी का फॉलो गार्ड का था, तो उनको अपना ईगो टकराया होगा कि मेरा गाड़ी को कोई भी आदमी वगैरह समझ के कैसे रोक सकता है, कैसे बात कर सकता है। जहाँ तक मारने पीटने का धमकी का बात आया, वो आपके साथ सुरक्षाकर्मी है, उसमें सुरक्षाकर्मी के पास निश्चित रूप से गन हुआ करते हैं, एक गनमैन के साथ पुलिस वालों के साथ जिनके हाथ में बंदूक है, एक सामान्य आदमी कितना देर तक उलझ सकता है। पुलिस का ड्रेस देखते ही भय होता है, उनके पास तो बंदूक भी था, कैसा हूँ आदमी रहता है तो इतना गलत काम बिल्कुल नहीं कर सकता है जी।